प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते एक सपना देखा था जो अब पूरा होने जा रहा है, और ये सपना था भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का ये ख्वाब उन्होंने साल 2010 में देखा था। 31 अक्टूबर यानी सरदार पटेल की जयंती के दिन पीएम मोदी अपने इस सपने का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी ने इसे नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा का निर्माण नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट पहाड़ी पर किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी और ब्राजील की क्राइस्ट द रिडीमर से चार गुना ऊंची होगी। नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद से ही मेक इन इंडिया का बढ़ावा देने का कैंपेन शुरू किया, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने का ठेका एक चीन कंपनी को दिया गया, जिसके बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी और इस मूर्ति के मेड इन चाइना होने को लेकर आलोचना भी झेलनी पड़ी। लेकिन सरकार का कहना है कि हकीकत में इस मूर्ति के बाहरी आवरण बनाने का काम ही सिर्फ चीन की कंपनी टीक्यू आर्ट फाउंड्री ने किया है, क्योंकि कांसे से बनी इस शीट को बनाने का अनुभव भारत की किसी कंपनी के पास नहीं था जो तय समय सीमा से पहले इसे पूरा कर पाती, और चीन की ये कंपनी इसमें माहिर है। आइए अब आपको इस स्टैच्यू से जुड़ी अहम बातें बताते हैं। साल 2014 में गुजरात सरकार ने कंस्ट्रक्शन का ठेका एक मल्टी फर्म कंसोर्टियम को सौंपा था। इस कंसोर्टियम में वो कंपनियां शामिल हैं जिनके पास दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनाने का अनुभव है। वहीं एलएनटी को उसके अनुभव को देखते हुए एग्जीक्यूटिंग फर्म के रूप में जोड़ा गया। इसके कंस्ट्रक्शन को चार स्टेज में बांटकर किया गया, जिनमें मॉकअप, 3D स्कैनिंग टेक्निक के साथ ही कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोडक्शन टेक्निक, स्पाइनल स्ट्रक्चर जैसे हिस्से थे। स्टैच्यू का मूल ढांचा कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है। चीन की कंपनी को लेकर भले ही ये स्टैच्यू विवादों में रहा हो, लेकिन अधिकारियों की माने तो काफी हद तक ये मेड इन चाइना प्रोजेक्ट ही है। उनका कहना है इस तरह की बड़ी परियोजनाओं के लिए विदेशी विशेषज्ञता की जरूरत होती है। चीन की कंपनी ने इसका एक छोटा सा हिस्सा बनाया है जिस पर विवाद नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में कुल 2,989 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर इसलिए रखी गई क्योंकि गुजरात में 182 ही विधानसभा सीटें हैं। इस प्रतिमा के साथ यहाँ एक प्रदर्शनी मंजिल तैयार की गई है जिसमें पटेल से जुड़ी चीजों का संग्रहालय है और एक बड़ा सा मेमोरियल भी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हर भारतीय को गौरव का एहसास कराएगी और आने वाले वक्त में देश ही नहीं दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचेगी।